हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम टोटल अनसोल्ड पेपर का पार्ट नंबर 7, जिससे कि क्वेश्चन आना 90% फिक्स है। ये क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या इन्हीं के जैसे आएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आप लोग एक बोर्ड एग्जाम में ज्यादा ज्यादा मार्क्स गेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, और जिस पॉलीनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसमें उतने ही जीरोस निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान सा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द एरिथमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी। क्या कहा स्टूडेंट्स? उसने कहा है कि एरिथमेटिक मीन बताना है हमें 1 से लेकर 10 तक के इवन पॉजिटिव नंबर्स का। किनका? इवन पॉजिटिव नंबर्स का। इवन पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। लिख देंगे यहां पे इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कौन कौन से हो जाएंगे? आर 2, 4, 6, 8 and 10। क्या क्या स्टूडेंट्स? 2, 4, 6, 8, 10। उसने कहा था नंबर्स कहां से लेने भाई? 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10। तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। चलिए इनका मीन निकालते हैं। तो मीन या एरिथमेटिक मीन इक्वल्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और नंबर्स हैं कितने भाई? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो कितना जाएगा? 10 और 8, 18, 18, 6, 24, 24 and 4, 28, 28 and 2 will be 30 and this will be 30 upon 5, 5 ones of 5, 5, 6 is 30 and answer will be 6। देख कितना आसान क्वेश्चन है और 2 marks से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखा स्टूडेंट्स, कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, What is the probability of getting a prime number when a die is thrown once? जब किसी die को one time throw किया जाता है, when a die is thrown once, जब किसी die को one time throw किया जाता है, फेंका जाता है, what is the probability? तो इस बात की probability बताओ किसकी? Of getting a prime number, कि हमें एक prime number मिलेगा। तो इस बात की probability बतानी है कि हमें एक prime number मिलेगा। तो पहले आप समझ लो होता क्या है इसमें डाइस में, कि अगर हमने कोई डाई एक ले रखी है तो उसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर मिलते हैं। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर हमें मिलते हैं। और उस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी। किसकी? प्राइम नंबर की। तो देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो 1 और itself के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर। देखिए 1 ना तो प्राइम होता है तो ना तो कंपोजिट होता है। 2, 3, 4 तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाता है इसलिए तो होने वाला है नहीं। 5 भी केवल 1 और 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज किसी से भी नहीं है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिनसे हमारा काम बनने वाला है या जो हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3 मतलब ये हो गया 3, ठीक है ना? 3 नंबर, देयर आर 3 नंबर्स, 2, 3 and 5। ओके, अब लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कितने नंबर्स मिले हैं भाई हमको? 6। लिख देंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर,
गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3. टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6. तो देखिए 3 1 3 3 2 6 और ये आंसर हो गया इसका 1/2. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ टावर इज 20 मीटर हाई. देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है. अ टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर. कहने का मतलब है कि ये एक हो गया टावर ए बी इज अ टावर और इसकी हाइट कितनी है भाई, 20 मीटर. कितनी है भाई, 20 मीटर है. उसने कहा है अ टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर. इसकी शैडो मतलब सन यहां कहीं होगा, है ना भाई, तो ये हो गया सन. ठीक, तो इसकी वजह से इस टावर की जो शैडो आएगी ग्राउंड पे ऐसे, है ना, और शैडो की लेंथ उसने दे रखी है कितनी, 20√3 मीटर, है ना स्टूडेंट्स. तो ये शैडो हो गई 20√3 मीटर की शैडो हो जाती है. तो अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं. जब किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे तो जाके एंगल ऑफ एलिवेशन. तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, इसको हमने लेट कर लिया थीटा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देते हैं. लिख देंगे लेट ए बी इज अ 20 मीटर टॉल टावर. 20 मीटर टॉल टावर एंड बी सी इज इट्स 20√3 मीटर लॉन्ग शैडो एंड और क्या है, थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डिटेल्स हमने इसकी लिख दी. अगर आप ये डिटेल्स लिख देते हो तो एग्जामिनर पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपके अगर मार्क्स कहीं पे इसमें कटने वाले होंगे भी तो स्टूडेंट्स वो मार्क्स वो आपको दे देगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग हमेशा देखिए ग्राउंड, ये ग्राउंड और टावर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, राइट एंगल पे होते हैं दोनों. अब देखिए हमें निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमारे पास गिवन क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस. कोई किसी भी एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर और जिस साइड पर वो एंगल बनता है वो होता है उसका बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस होता किसमें है, टेन थीटा में. लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल, याद रखिएगा राइट ट्रायंगल पे लगेगा, इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन बेस विच इज बी सी. तो ये हो जाएगा tan theta equals AB. AB की वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन BC दिया हुआ है 20√3. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, tan theta दिया हुआ है, theta की वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे जो 1 अपॉन 3 दिया हुआ है कि 1 अपॉन 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू होती है. तो थीटा की वैल्यू सॉल्व होके आ जाए, कंपेयर कर लेंगे tan थीटा इक्वल्स tan 30 तो थीटा इक्वल्स हो गया 30 डिग्री. इसका मतलब हो गया सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा आंसर. तो देखिए स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसकी शैडो किसी टाइम पे 20√3 है, तो आप बताओ कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा. तो हम लोगों ने सिंपली ये ध्यान दिया कि हमारे पास गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, तो गिवन क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, वैसे tan थीटा हम लोगों ने अप्लाई कर दिया. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूव दैट डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का जो डबल होता है इज इक्वल टू,
वो इक्वल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके प्रोडक्ट इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ द बेस, किसके प्रोडक्ट इक्वल होता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो हमने नोट कर लिया क्या, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। लेकिन उसने केवल इतना तो कहा नहीं, क्या कहा है, डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो डबल करने के लिए हम लोग इसको टू टाइम्स कर देंगे। अगर यहां हमने टू लिखा हुआ है तो यहां भी हमें टू का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। अब हमें लाना क्या है, उसने कहा है इज इक्वल टू, पहले उसने क्या कहा था, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वो सिलेंडर के वॉल्यूम का डबल किया हमने, इज इक्वल टू, इक्वल होगा किसके, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो हमें पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता क्या है सिलेंडर का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच, तो हमने इसको अपने मन से कॉपी कर लिया, इसको ले लिया इन टू, और किसी कहा था रेडियस के, तो हमने इसको आर लिख दिया। अब हमने जब इसको लिखा तो हमने देखा कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए इस टू को हमने यहाँ नोट किया है, पाई यहाँ पे आया, आर स्क्वायर हमने आर ले लिया, एच यहाँ ले लिया, इन टू इस आर को यहाँ पे भेज दिया हमने, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और ये हो गया रेडियस। देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, टू मार्क्स में आया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू रेडियस, है कितनी इजिली प्रूव हो गया ये, है ना भाई। उसने कहा था टू इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमने टू लिखा, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया पाई आर स्क्वायर एच, टू पाई आर एच को अलग कर लिया, इंटू आर अलग कर लिया, ये हो गया पहला वाला सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दूसरा हो गया रेडियस। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 पे, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, लिखा जा सकता है 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं, वैल्यू पुट करनी होती है, 2 into tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon root 3 upon 1 plus tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon root 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 upon root 3 upon, यहाँ पे आ जाएगा 1 plus 1 के स्क्वायर करेंगे 1 root 3 के स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 upon root 3 upon 3 1 3 3 1 हो जाएगा 4 upon 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 है ऊपर 2 के साथ चला जाएगा और जो रूट 3 है ये 4 के साथ आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 1 2 2 2 4, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 ऊपर बच रहा है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3 upon, यहाँ पे हो जाएगा √3 into 2 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी √3/2 और यही हो गया इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स हमने कुछ स्पेशल इसमें नहीं किया, 2 नोट किया, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखा 1 upon root 3 होती है, 1 plus tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3 इसका कर लिया स्क्वायर, इक्वल्स हो गया 2 1 2 upon root 3, 1 plus 1 के स्क्वायर 1 root 3 के स्क्वायर हो गया 3, इसको सॉल्व किया तो 3 1 3 1 4 4 upon 3, 3 चला जाएगा 2 के साथ में, √3 आ जाएगा 4 के साथ में, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 को लिखा जा सकता है √3 into √3 upon √3 into 2, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा √3/2 इसका हो गया आंसर। तो देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, उम्मीद है कि हमारे सारे वीडियोज आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक की बात पहुंच जाए और सारे लोग इन वीडियोस का फायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।